तो मेरा हाजमे का चूर्ण रखना मत भूलना। अरे वो तो मैंने पहले से रख दिया बेटे, ये शर्ट मैंने इस्त्री करके रखे, रख देना अंदर। थैंक यू मम्मी। जानती हूँ मम्मी, क्या मैं वहाँ का इंचार्ज रहूंगा, मेरा अपना कैबिन होगा और कैबिन पर तख्ती पर लिखा होगा ब्रांच मैनेजर आनंद गुप्ता। अरे कैसे रखे कपड़े, उठ मैं रख देती हूँ। हाँ आप रखो, मैं ये तौलिया लेके आता हूँ। You know, I'm so excited. I'll be the chief of the banking staff, commander of my office. और मालूम है मम्मी, कम से कम मेरे अंडर 10 या 12 लोग काम करेंगे। हेलो अंकल, मैं आनंद गुप्ता। आप आनंद गुप्ता? हाँ, यहाँ के बैंक का नया ब्रांच मैनेजर। मैं भूरे खान, आपका पियन वगैरह वगैरह। लाइए सामान मुझे दीजिए, मैं ले चलता हूँ। अंकल बैंक कहाँ है? आप बहुत थके हुए दिखते हैं, जरा हाथ मुंह धो लीजिए। नहीं वो बाद में, बैंक कहाँ है? बैंक ये रहा, ये बस ये यही सारा बैंक है जी। हाँ जी, लेकिन ब्रांच मैनेजर का कैबिन, वो काउंटर और मेरा नेम प्लेट। अब कैबिन, काउंटर या तिजोरी, जो कुछ भी है सब यही है। और जो बाजू में कमरा है वो किसका है? सरकारी कमरा है, हमेशा बंद रहता। और हमारा स्टाफ? अब पूरा स्टाफ मौजूद है, आप और मैं। क्या चाय पीजिए। दिलेर है तू शेर है, दिलेर है। ये चाय में दूध बहुत कम है। क्या करें साहब, यहाँ कम वक्त दूध ही नहीं मिलता। दूध ही नहीं मिलता? ताजे फ्रूट तो मिलते होंगे। जी हाँ, जब शहर से आते हैं तो मिल जाते हैं। शहर से आते हैं? लेकिन अंकल वो अंकल नहीं साहब, भूरे खान। भूरे खान, वो मेरा रहने का क्या इंतजाम है? ये मैंने बिस्तर खोला तो क्वार्टर तैयार। क्या यहाँ? अब यहाँ गांव में किराए पर रहने के लिए मकान कौन बनाता है साहब? फिर मैं बैंक में कैसे रह सकता हूँ? इसका भी इंतजाम है, ये पर्दा बंद तो बैंक चालू।